नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुधकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। आइए बता दें क्या खास लाएं हैं आज शो में हम आपके लिए। फोकस बाजार पर रहेगा जहां जोरदार रिकवरी देखने को मिली निचले स्तरों से। निफ्टी 300 अंक तक सुधरा और उसके बाद हमने देखा अच्छी खासी पॉजिटिव नोट पर बाजार जाकर बंद हुआ। हमारे एक्सपर्ट से समझेंगे कि इस तेजी का क्या मतलब है। जी एंटरटेनमेंट और इन्वेस्को मामले पर भी फोकस होगा, जहां पर विवाद में हमने देखा जी पर दबाव बनते हुए दिखाई दिया। उसके अलावा जानेंगे कल के लिए कौन से ट्रेडिंग आइडियाज हमारे मेहमान आज लेकर आ रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे बाजार के साथ ही, जहां हमने देखा कि आज निचले स्तरों से एक शानदार रिकवरी देखी गई। निफ्टी नीचे से करीब 300 अंक सुधरकर 17,300 के पार बंद हुआ। सेंसेक्स में भी हमने करीब 700 अंकों के आसपास की बढ़त देखी। आखिर में 58,000 के करीब ये पहुंचता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी बैंक में भी करीब 350 अंकों की तेजी रही। आज दिन भर बाजार में किस तरह की हलचल रही बताने के लिए मेरी सहयोग मानसी दवे हमारे साथ जुड़ रही है। मानसी बताइए। देखिए, भारतीय बाजार में आज काफी सरप्राइजिंग ट्रेंड देखने को मिला। आज शुरुआत में जिस तरह से कमजोरी के साथ बाजार में कामकाज हमने देखा और 12:30 के बाद तस्वीर बिल्कुल पलटती हुई दिखी। बाजार में शानदार रिकवरी के साथ ट्रेड्स फिर नजर आने लगे और क्लोजिंग भी जब बाजार की होती हुई दिखी तो अच्छी खासी बढ़त के साथ ही आज ट्रेड्स नजर आए। सेक्टर स्पेसिफिक भी बाजार को जहां देखें, फर्स्ट हाफ में जहां बिकवाली का दबाव हर सेक्टर हर पॉकेट में दिख रहा था, उसी तरह से तेजी हर सेक्टर हर पॉकेट में 12:30 बजे के बाद नजर आने लगी। काफी दमदार एक्शन के साथ, बढ़िया बढ़त के साथ बाजार ने क्लोजिंग दिखाई है। अगर शुरुआत की बात करें, एक फ्लैट ट्रेंड हमने देखा था 17,100 के लेवल्स पर जहां बाजार ट्रेड करता था और बैंक निफ्टी में भी कमजोरी का आलम था, लेकिन उसके बाद जो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आते हुए दिखे और एक साथ जो खबरें आती हुई दिखी जिसने बाजार में जोश भरा, निफ्टी में सबसे ज्यादा गेनिंग मोमेंटम जो था ONGC, IOC, BPCL जैसे स्टॉक्स में नजर आया। काफी अच्छी तेजी के बीच कामकाज जहां पर देखने को मिला। इस बीच अगर निफ्टी मेटल इंडेक्स को देखें, ऑयल एंड गैस देखें, निफ्टी PSE टॉप सेक्टोरल लीडर्स यहां पर नजर आया। अच्छी बढ़त के साथ इन तमाम सेक्टर्स में भी कामकाज नजर आया। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की अगर बात करें, मिड कैप स्मॉल कैप में भी काफी दमदार एक्शन देखने को मिला। ऑयल इंडिया, अदानी टोटल गैस जैसे स्टॉक्स सूची में शामिल रहे, जहां पर लगातार हम देख रहे हैं मिड कैप स्पेस में टॉप परफॉर्मिंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। डिफेंस स्पेस में धीरे धीरे करके अच्छी तेजी के बीच कामकाज यहां पर नजर आ रहा है। एक बार गिरावट में खरीदारी का मौका डिफेंस स्पेस ने दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा अच्छी तेजी के बीच फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स डिफेंस स्पेस जैसे कि HAL, भारत फोर्ज के भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, जिसके चलते आगे और ज्यादा तेजी के पूरे अनुमान दिखेंगे। जैसे कि मैंने बताया, 12:30 के बाद अच्छी खासी रिकवरी के बीच बाजार ने ट्रेड करना शुरू किया और फिर रिकवरी जो थी वो आगे भी बढ़ती चली गई और क्लोजिंग तक ये रिकवरी ने हमारा साथ निभाया। रिलायंस लीडिंग टूवर्ड्स द रिकवरी एक बड़ा कारण यहां पर दिखा। रिलायंस के स्टॉक प्राइस में जिस तरह से मोमेंटम बनती हुई दिखी, इसके चलते हमने देखा बाजार में एक रिकवरी तो जोश भरने का काम रिलायंस के स्टॉक ने जरूर किया। सेक्टर गेनर्स IT, एनर्जी, ऑटो, इंफ्रा जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी के बीच कामकाज दिखा, जहां रियल एस्टेट स्पेस परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। सेकंड हाफ में रियल एस्टेट स्पेस में बिल्कुल जान आती हुई दिखी। सीमेंट काउंटर्स में अच्छी तेजी के बीच कुछ तमाम स्टॉक्स ने ट्रेड कर दिखाया। इस बीच स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की अगर बात करें, टेक महिंद्रा, BPCL, रिलायंस, IOC, GNFC, टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स थे जो कि अच्छी तेजी के बीच ही कामकाज कर रहे थे। इस बीच FMCG की अगर बात करें, FMCG में हमने रिसर्च कर आपको बताया क्या कुछ होता हुआ दिख रहा है। प्राइस हाइक और मार्जिन प्रेशर्स हैं जिसके चलते FMCG स्पेस आज परफॉर्म नहीं कर पाया। और गिरी कैपिटल के वरुण डागा का कहना है कि बाजार में खराब माहौल के कारण हर तरफ चिंता की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने निवेशकों को इस समय मेटल और ऑयल कंपनियों पर नजर रखने की सलाह दी है। आइए सुनते हैं बाजार पर उनका क्या नजरिया है। You know, they climb the wall of worry, right? So if you see in terms of the worry, we have all the bad news around us, inflation, war, the earnings are, people are shocked that how the earnings are going to be. Multiples are high in large part of the market. So, I think what can happen here and the way we are looking at it, we are seeing the leadership churning around. So, what we saw in the last decade where you had financials and consumer stocks lead the bull market, it's very different this time. We are completely seeing that leadership move to commodities, move to IT companies. So I think where everybody is focusing may not be the place to focus, right? So I think one needs to change the way they look at these companies and probably start looking at some of the old economy and
the metals and the oil companies. So it could be interesting. And frankly, they are not expensive at all, right? So it's just that nobody has owned them for the long time. And it'll be tough for people to analyze it and in fact, convince their own mind that, oh, how can I own a metal company or an oil company? So it'll be interesting to see what does well. तो मेटल और ऑयल कंपनियों पर फोकस यहाँ पर वरुण डागा साहब का. मेरे दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, भाविन मेहता और आशीष महेश्वरी. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत. भाविन, 17,300 के ऊपर की क्लोजिंग कैसे रीड करेंगे आप? हम आज जब सुबह और एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, बता रहे थे कि 17,300 एक रेजिस्टेंस बना हुआ है इस समय और बाजार का उसके ऊपर क्लोज होना अहम है. आपके हिसाब से आज की क्लोजिंग क्या मायने रखती है? मूव देखा है मार्केट में तो 17,000 अभी आगे जाके एक क्रूशियल लेवल बन जाएगा डाउनसाइड पे. 16,900 से लेके 17,200 तक हम लोग बहुत सारे एवरेजेस एक कन्वर्जेंस देख रहे हैं. सो बीट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, तो काफी अच्छे सपोर्ट्स बने हुए अभी लोअर एंड पे. सो अनलेस 17,600-17,900 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइड पे मोमेंटम बने रहेगा. ऊपर में 17,500 के आसपास रेजिस्टेंस भी है, तो ये पूरा रेंज जो है 17,000 से 17,500 का वो काफी चौपी रहेगा. वॉलेटिलिटी अगर आज आप नोट करेंगे तो कल वॉलेटिलिटी जब मार्केट शार्पली नीचे गया था सेकेंड हाफ में स्पेसिफिकली, तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स ने 10% का स्पाइक मारा था. आज अगर हम वॉलेटिलिटी इंडेक्स की बात करें तो वो खाली 2% से नीचे गया है. सो टेक्निकली वॉलेटिलिटी विल बी वेरी हाई. हम लोग ये वाइल्ड स्विंग्स इन दिस पर्टिकुलर रेंज 17,000 से 17,500 में काफी मिलेंगे, बट डेफिनेटली जब तक 16,900 ऑन डाउनसाइड ब्रेक नहीं करता है, नेगेटिव साइड पे मार्केट का मोमेंटम कम रह सकता है. और आज जिस हिसाब से शेयर्स ने लीड किए स्पेसिफिकली द लार्ज कैप काउंटर्स, तो वो एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव रहेगा गोइंग फॉरवर्ड. सो ओवरऑल व्यू है वॉलेटिलिटी से मार्केट वॉलेटाइल रहेगा बट स्टॉप लॉस रख के खेलना चाहिए. ओके, मार्केट वॉलेटाइल रहेगा लेकिन स्टॉप लॉस रख के खेलना चाहिए. आशीष, इस समय आप क्या एडवाइस कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? मूड क्या आपको बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या आपको लग रहा है कि अब यहां से जो है शायद शॉर्ट टर्म में एक बॉटम बन चुका है बाजार का? जी, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो वोलेटिलिटी है वो बाजारों में बनी रहेगी, क्योंकि जो मैक्रो इवेंट्स हैं और जो मैक्रो डेवलपमेंट्स हैं वो बाजार को बिल्कुल एक रिस्की जोन में रखेगा. और क्या होगा कि जब भी रिस्क अवर्जन बढ़ता है बाजारों में तो बहुत जल्दी मुनाफा वसूली बाजारों में बहुत जल्दी जल्दी आती है, जिसको हम वोलेटिलिटी का नाम देते हैं. तो हर जो ट्रेडर है वो स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करता है, तो जैसे ही वो हिट होता है तो और सेलिंग उन स्टॉक्स में आती है, और जैसे ही मुनाफा थोड़ा सा उन्हें मिलता है तो वो घर ले जाने की कोशिश करते हैं. तो मेरा मानना ये है कि अभी थोड़ा सा इंडाइसेस में ट्रेड करने से बचना चाहिए, और इसकी बजाय जिन कंपनियों के अच्छे नतीजे आने की उम्मीद रहे मार्च क्वार्टर में, वहां पर बैठ लेना बेटर स्ट्रेटेजी होगी. क्योंकि यदि मार्केट गिरता भी है तो आप बहुत ज्यादा फॉल उन कंपनीज में देखेंगे नहीं. तो जैसे आज भी हमने देखा जो एडवांस डिक्लाइन था वो बाजार जब माइनस पे था तो भी कोई बहुत ज्यादा स्टॉक गिर नहीं रहे थे. तो अब काफी सिलेक्टिव बेसिस पे बाइंग और बार्गेन हंटिंग बाजारों में शुरू हो चुकी है, और मेरा मानना है कि इस पूरे सप्ताह और अगले सप्ताह जरूर वो लिटिलिटी बनी रहेगी, बट बाजार पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मुझे नजर आता है. चलिए, मेरे दोनों ही मेहमानों को लगता है कि बायस पॉजिटिविटी की तरफ ही है. वॉलेटिलिटी लेकिन बनी रहेगी बाजार में, स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. चलिए हम स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा को शुरू करते हैं, और सबसे पहले खबर बताते हैं आपको जी एंटरटेनमेंट से जुड़ी, जहां पर इन्वेस्को विवाद मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से जी एंटरटेनमेंट को एक बड़ा झटका लगा है. ईजीएम को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के ऑर्डर को पलट दिया है. अब इन्वेस्को ईजीएम की मांग को लेकर एनसीएलटी जा सकता है. इस फैसले से जुड़ी और जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी उत्कर्ष. देखिए, थोड़ी लंबी कहानी है लीगल, और इसके आगे भी अभी कहानी लीगल ही रहने वाली है काफी समय तक. लेकिन शुरुआत में आपको बता दें कि हुआ क्या है. आज ये हुआ है कि ईजीएम को लेकर जो इन्वेस्को की मांग थी कि ईजीएम कराई जाए, क्योंकि वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, 10% से ऊपर उनकी शेयर होल्डिंग है, तो अगर चाहें तो ईजीएम बुलाई जा सकती है. उसको लेके एनसीएलटी में पहले इन्वेस्को जाता है, और उसके बाद फिर एनसीएलटी के जब प्रोसीडिंग चल रही होती हैं उसी दौरान
जी एंटरटेनमेंट बॉम्बे हाई कोर्ट की सिंगल बेंच यानी कि एक ही जो जस्टिस बैठते हैं वहाँ पे सिंगल बेंच बजाते हैं और वहाँ ये कहते हैं कि ये जो ईजीएम है ये इनवैलिड है और क्योंकि ईजीएम इनवैलिड है इसलिए इसका जो आउटकम होगा इनवैलिड होगा इसलिए ईजीएम नहीं बुलाई जा सकती। वहीं पे इन्वेस्टको का कहना था कि उनका हक है ईजीएम बुलाना और अगर कुछ भी उसके बाद होता है चाहे वो ईजीएम में जो भी चीज़ें इन्वेस्टको चाहती है वो निकल के आती है नहीं आती है वो बाद का मामला है। उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने जी के पक्ष में फैसला दिया था जहाँ पे कि इन्वेस्टको को ये ईजीएम कराने से मना कर दिया था और जो एनसीएलसी में प्रोसीडिंग्स थी वो भी ख़त्म कर दी थी। उसके बाद डिविजनल बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट का जो ये फैसला है जो सिंगल बेंच का है उसको पलट दिया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टको अब फिर से एनसीएलटी जा सकता है। यहाँ पे वो मांग कर सकता है ये है जी से कि एनसीएलटी से कि वो जी को कहें कि वो ईजीएम कराएं। एक जो मौका है वो इन्वेस्टको के पास खुद ईजीएम कराने का है लेकिन इन्वेस्टको पहले ही एनसीएलटी में बोल चुका है कि वो ये चाहता है कि एनसीएलटी जी को ये ऑर्डर दे। लेकिन उससे पहले 3 हफ्ते का समय है और उस 3 हफ्ते के समय में जी एंटरटेनमेंट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है डिविजनल बेंच के इस ऑर्डर को लेकर। तो यहाँ पे आगे जो भी होगा वो होगी एक लीगल बैटल। या तो जी सुप्रीम कोर्ट जाएगा जो काफ़ी हद तक लाइकली लगता है इस मामले में इसको चैलेंज करने के लिए। अगर जी नहीं जाता है फिर क्या होगा कि इन्वेस्टको एनसीएलटी जाएगा और जो एप्लीकेशन लेके वो पहले गया था उसी एप्लीकेशन को लेकर वापस जाएगा एनसीएलटी के पास कि आप जी एंटरटेनमेंट को कहिए कि वो ईजीएम कराएं। तो अभी भी ये जो कानूनी लड़ाई है वो थोड़े दिन और चलने वाली है। बिल्कुल, तो काफी मामला लीगल होता जा रहा है यहाँ से। आशीष, कैसे अप्रोच करेंगे जी एंटरटेनमेंट को अब, जैसा कि उत्कर्ष बता रहे हैं कि मामला लंबा खिंचने वाला है और लीगैलिटीज में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन 248 रुपए के प्राइस पर इन सब खबरों को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है जी एक मौका देता है ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स को? देखिए, मेरा मानना है कि जब भी बाजार में ऑलरेडी अनसर्टेनिटी का थोड़ा सा दौर चल रहा है तो जिस स्टॉक में ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी उसका बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। और ये बिल्कुल पक्की बात है कि जी सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट में रिट फाइल करेंगे, फिर उसके बाद में इन्वेस्ट को उसका जवाब देंगे। तो ये जो लीगल बैटल है ये तो और अभी जारी रहेगी। तो तब तक मेरा मानना है जो स्टॉक में जो हमने 52.370 रुपए का देखा और वहां से काफी एक नैरो रेंज में स्टॉक ने ट्रेड किया है तो वो ट्रेंड जारी रहेगा। तो मेरा स्टॉक को अवॉइड करने की सलाह रहेगी। मेरा मानना है कि मीडिया में किसी को पोजीशन लेना है तो नेटवर्क 18 या टीवी 18 जैसे स्टॉक में ज्यादा मेरिट नजर आती है और जहाँ पे थोड़ा लीगल इश्यूज हो या कॉन्फ्लिक्ट हो उन स्टॉक में ट्रेड करने से बचना चाहिए क्योंकि फ्यूचर ग्रुप का हमारे सामने लाइव एग्जांपल है कि कोई पॉजिटिव न्यूज आता है उसके थोड़े दिन में ही अमेजोन की नेगेटिव न्यूज आ जाता है तो स्टॉक का सारा जो गेन होता है वो वाइप आउट हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ जी में होने की भी संभावना है तो मेरे स्टॉक को अवॉइड करने की सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म। चलिए, तो अवॉइड करके चलिए फिलहाल। क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, चाहे ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग, आपको ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि खबरों के दम पर अगर स्टॉक ज़्यादा चल रहा है या गिर रहा है तो फिलहाल उससे दूरी बनाए रखें वो बेहतर है। जी को फिलहाल अवॉइड करने की सलाह यहाँ आशीष की तरफ से। आज जो बाजार में हमने देखा FMCG शेयर भी फोकस में थे और यहाँ पर अच्छा खासा दबाव इनमें देखने को मिल रहा था, फिर वो HUL हो, नेस्ले, ब्रिटानिया, ये सभी दिग्गज कंपनियाँ जो हैं वो शेयर बाजार के रिवर्सल के साथ संभल नहीं पाई। दरअसल HUL ने बढ़ती महंगाई के मद्देनजर वॉल्यूम ग्रोथ में कमी की चेतावनी दी है जिससे FMCG शेयरों में कमजोरी दिखी है और साथ ही साथ कच्चे माल की महंगाई, FMCG, पेंट, QSR और कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये सारी इन सभी कंपनियों के लिए चुनौती बनता जा रहा है। इन सेक्टर्स की कंपनियां महंगाई से निपटने के लिए अब धीरे धीरे कीमतें बढ़ाएंगी। इस पर और जानकारी के लिए मेरी सहयोगी विनी मोतीवाला जुड़ रही हैं। विनी, बताइए कि क्या पिक्चर निकल कर आ रही है इन सभी कंपनीज के लिए फिलहाल? आपने बिल्कुल सही बात कही है कि कच्चे माल की जो महंगाई बढ़ रही है वो कंसर्न्स जो FMCG कंपनीज है, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज है, ओवरऑल देखें तो काफ़ी सारे सेक्टर्स को इम्पैक्ट करती है। पेंट कंपनीज वो भी काफ़ी सारी इम्पैक्ट करती है और ये इम्पैक्ट काफ़ी सीवियर रहता है इन FMCG कंपनीज, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज पे। और देखा जाए तो ये कंपनियों ने ऑलरेडी प्राइस हाइक्स भी ले चुकी है ना। ओवरऑल बात करते हैं कि कैसे इम्पैक्ट करता है ये ओवरऑल जो इंक्रीज होती है। पहले महंगाई की बात करते हैं, पाम ऑयल प्राइसेस देखें, ओवरऑल व्हीट गेहूं के प्राइसेस देखें, बार्ली के प्राइसेस देखें, वैम जो
पेन कंपनीज में यूज होता है, इन सबके प्राइजेस काफी बढ़ चुके हैं। तो अक्रॉस सेगमेंट जो इम्पैक्ट दिख सकता है, देखिए गेहूं के प्राइजेस, पाम ऑयल के प्राइजेस, चीनी के प्राइजेस, ये सब बढ़ चुके हैं। तो इसकी वजह से कौन सी कंपनीज को इम्पैक्ट होगा? नाउ पहले बात करते हैं सोप्स डिटर्जेंट्स जो मेनली पाम ऑयल को यूज करते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है? मेजर हाइक, शार्प राइज हुआ है इन प्राइजेस में। तो सोप्स डिटर्जेंट कंपनीज लाइक HUL, GCPL, इन सब में मेजर इम्पैक्ट इन कंपनीज का आता है। और ओवरऑल HUL की बात करें तो डिटर्जेंट और स्किन केयर का जो क्लेंजिंग पोर्टफोलियो है वो 40% अकाउंट करता है ओवरऑल रेवेन्यूज़ का, तो वो ऑब्वियसली उनका इम्पैक्ट मेजर रहेगा सोप डिटर्जेंट की वजह से। GCPL में भी इम्पैक्ट आता है उनके सोप्स पोर्टफोलियो में, और HI सेगमेंट में भी इम्पैक्ट आता है क्योंकि LPG की प्राइजेस बढ़ गई है, ओवरऑल क्रूड डेरिवेटिव्स बढ़ गया, टिन की प्राइजेस भी बढ़ गए, तो ये इम्पैक्ट सीवियर रहता है। ब्रिटानिया में भी बात करें बिस्किट्स में भी इम्पैक्ट आता है, पाम ऑयल प्राइजेस, मिल्क प्राइजेस, गेहूँ के प्राइजेस जो बढ़ चुके, तो काफ़ी इम्पैक्ट आता है इन सब कंपनियों में भी। मैरिको, डाबर, इन सब में भी जो ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हुए उसकी वजह से भी इम्पैक्ट रहता है, और कंज्यूमर ड्यूरेबल साइड पे भी श्योरली इम्पैक्ट रहेगा क्योंकि प्राइसेस ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब भी बढ़ चुके हैं। उसके अलावा अभी बात करते हैं जो इन्फ्लेशन हमने देखी हुई है और प्राइस हाइक जो कंपनी ने लिए, बात करें HUL की, HUL ने एग्जाम्पल लिए तो 10% प्राइस हाइक ले चुके हैं वो Q3 में। अब Q4 में जो इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ी है वो है 21%, तो अप्रॉक्सीमेटली प्राइस हाइक कितना होना चाहिए? अभी 10% और प्राइस हाइक लेने की ज़रूरत है कंपनी को, तो इसकी वजह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिकेटिव प्राइस हाइक मे बी 10% और रहेगा तो ही कंपनी मैनेज कर पाएगी अपने मार्जिन्स को ओवरऑल। ये जो कॉस्ट दिख रहा है सिमिलर है ट्रेंड्स कोलगेट में, कांसाई नैरोलैक में, इंशिन पेंट में, इन सब में भी ऑलमोस्ट 10-15% की प्राइस हाइक लेने की ज़रूरत पड़ेगी कंपनी को टू मैनेज दिस कॉस्ट इन्फ्लेशन। सो श्योरली ये एक फैक्टर है जो वॉचआउट करेंगे हम लोग। बिल्कुल, तो महंगाई का असर इन सभी कंपनियों पर पड़ रहा है, और हमने देखा कि आज FMCG स्पेस काफ़ी ज़्यादा दबाव में था। भाविन, आज जितने भी बड़े FMCG स्टॉक्स थे, चाहे HUL हो, नेस्ले, ब्रिटानिया, सब में हमने काफ़ी ज़्यादा गिरावट आते हुए देखी। कहीं कोई चार्ट पर ऐसा पैटर्न बनता हो कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है FMCG में इन गिरे हुए स्तरों पर इनमें एंट्री करने के लिए? आपको कोई स्टॉक पसंद आया है स्पेस में? तो अगर हम बाय साइड के हिसाब से बात करेंगे तो एक कॉन्ट्रा ट्रेंड हो सकता है वो डाबर। डाबर ने एक काफी अच्छा शार्प करेक्शन देखने को मिला है इवन बिफोर दिस एंटायर FMCG स्पेस स्टार्टेड टू करेक्ट। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 520-530 के रेंज में बहुत ही बड़ा टेक्निकल सपोर्ट है। सो ये पर्टिकुलर लेवल अगर होल्ड करता है 520-530 का रेंज, तो एक बड़ा मूव मिल सकता है टुवर्ड्स 560-570 बिफोर अर्निंग्स आर आउट। तो यहाँ पे एक बाइक की सलाह हो सकती है, बट ये कॉन्ट्रेरियन ट्रेड है बिकॉज अभी अगर आप FMCG एज अ स्पेस देखेंगे तो कंसर्न्स आर देयर और सब स्टॉक्स मेजोरिटी ऑफ एवरेजेस के नीचे कोट कर रहे हैं। ओवरसोल्ड रीजन में भी नहीं गए कि हम यहाँ से एक क्विक अपटिक के लिए प्ले आउट कर सकते हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, मे बी और एक दो दिन का सेलिंग हो सकता है इसमें, उसके बाद एक कॉल लेना बेहतर रहेगा। ओके, तो एक दो दिन का सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है, उसके बाद कॉल लेना बेटर है, लेकिन अगर आज की गिरावट के बाद आप किसी स्टॉक पर फोकस करना ही चाहें तो डाबर पर कर सकते हैं। आशीष, यहाँ पर जो बात अभी विनी कह रही थी कि सिर्फ FMCG कंपनियाँ ही नहीं बल्कि चाहे पेंट कंपनियाँ हों, QSR सेगमेंट की कंपनीज हो, इन सब पर इन्फ्लेशन का असर पड़ रहा है, इनके जो रॉ मटेरियल्स हैं महंगे होते जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो स्पेस है, चाहे वो पेंट, क्योंकि डिमांड अब धीरे धीरे बढ़ेगी, पेंट कंपनियाँ हुई, होम डेकोर कंपनीज, क्या आपने इसमें से कोई थीम, कोई स्टॉक पसंद किया है पिछले कुछ समय में? स्ट्रेटजी रहेगा HUL को बेचकर शिफ्ट होना चाहिए ITC में। मेरा मानना है कि जो मार्केट शेयर जो उनके ईडिबल आइटम्स का है HUL का, उसमें काफी हद तक जो डेंट लगाएगा वो ITC का जो सनफीज ब्रांड और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जैसी कंपनियां मार्केट शेयर लेंगी HUL से। तो HUL तो मेरा मानना है अपना 52-week लो जो 1900 का था वो और ब्रीच हो सकता है। जहां तक दूसरी बात है पेंट कंपनीज की, मेरा मानना है कि ये अभी जो क्रूड के प्राइसेस में जो इजाफा देखने को मिला है, तो ये तो जब तक रशिया यूक्रेन का विवाद चलता रहेगा, वॉर चलता रहेगा, तब तक आप देखेंगे ये प्राइसेस फर्म अप रहेंगे या इसमें और इजाफा होगा। बट जो इफिशियंट कंपनीज है जैसे एशियन पेंट जैसी कंपनीज है या इंडिगो पेंट जैसी कंपनी है, वो मेरा मानना है कि बहुत जल्दी बाउंस बैक हो जाएगी क्योंकि एक प्राइसिंग पावर है उनके पास में, तो वो
ज्यादातर जो प्राइस हाइक है वो पास ऑन करने में सक्षम है। बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा छोटी कंपनियों को इसका। तो पेंट की कंपनियों में यदि आप पूछे तो मेरा मानना है बिल्कुल एशियन पेंट में निवेश किया जा सकता है। और एफएमसीजी में अभी भी एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट इन माय व्यू। आईटीजी जैसी कंपनियों में काफी पोर्टफोलियो शिफ्टिंग देखेंगे आप जो एचयूएल नेस्ले और ब्रिटानिया से होने वाली है। करेक्ट, तो पोर्टफोलियो शिफ्टिंग होगी, आईटीसी को उसका फायदा मिलते हुए दिखेगा। अगर आप एफएमसीजी स्पेस में रहना चाहते हैं आईटीसी पर कर सकते हैं फोकस। पेंट्स एक स्पेस है जो फोकस में रहा है पिछले समय में, और एशियन पेंट्स जो टॉप लीडिंग कंपनी है वो आशीष को यहाँ पसंद आती है। और महंगाई की हम बात कर रहे हैं, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने की बात कर रहे हैं, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ऑटो कंपनियों ने भी अब धीरे धीरे दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। कौन कौन सी कंपनियों ने कितने दाम बढ़ाए हैं, आज ही खबर आई कि टाटा मोटर्स जो है वो कमर्शियल व्हीकल के दाम बढ़ा रही है। मेरी सहयोगी ख्याति कोठारी जुड़ रही है मेरे साथ पूरी डिटेल के साथ। ख्याति बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास। टाटा मोटर्स इस साल दूसरी बार अपने व्हीकल्स के प्राइसेस बढ़ाने जा रही है। कमर्शियल व्हीकल्स के प्राइसेस कंपनी के 1 अप्रैल से 2 से 2.5% तक बढ़ेंगे। इसके पहले कंपनी ने जनवरी में अपने पीवीस के प्राइसेस 0.9% से बढ़ाए थे। इसका मेन कारण यह कि कमोडिटी के प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जो रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं कार्स बनाने के लिए उसके प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम के प्राइस QOQ 19.1% चढ़ चुका है, पलेडियम के प्राइसेस 22.3% चढ़ चुका है और रोडियम के प्राइसेस 28.9% QOQ चढ़ चुका है। इसका मेन इम्पैक्ट कंपनी के मार्जिन में आएगा। और IIFL सिक्योरिटीज़ का ये एस्टिमेट है कि फोर व्हीलर्स में कम से कम 200 बेसिस पॉइंट का मार्जिन प्रेशर रह सकता है और टू व्हीलर्स में 300 से 400 बेसिस पॉइंट का मार्जिन प्रेशर दिख सकता है। मार्जिन प्रेशर दिखाई देने की उम्मीद है यहाँ पर, जिस तरह के प्रेशर कमोडिटी प्राइसेस से बढ़ रहे हैं। भाविन, ऑटो स्पेस में कोई स्टॉक पसंद आता है फिलहाल आपको? कमोडिटीज तो वैसे प्ले कर रहे हैं और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कंपनियों को धीरे धीरे दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। सो जैसे बताया कि टाटा मोटर्स ने आज प्राइस हाइक लिया है, सो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक इवन आगे जाके अच्छा करेगा। मुझे नहीं लग रहा है कि ये स्टॉक 400 के नीचे इतना जल्दी ब्रेकडाउन अभी दे सकता है। ऊपर में 470-475 का एक लेवल है जहां तक ये अपटिक दिखा सकता है। सेकंड स्टॉक अगर आप देखेंगे तो इवन महिंद्रा एंड महिंद्रा यहां से एक आपको शार्प अपमूव दे सकता है। आज करीबन 785-790 के आसपास क्लोज हुआ है। मुझे लग रहा है ये वापस से आपको एक बार 820-825 के बीच में विद इन दिस पर्टिकुलर वीक स्टॉक एक बार पुल बैक दे सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 770 का, जो आज का ऑलमोस्ट लो है। ओके, तो M&M और टाटा मोटर्स ये दो स्टॉक्स हैं जहां पर आप फोकस कर सकते हैं अगर आप ऑटो स्पेस पर नजर डालना चाहते हैं। चलिए, और कौन से आइडियाज हैं जहां पर आप कल ट्रेडिंग पोजीशन या लॉन्ग टर्म पोजीशन ले सकते हैं, जानते हैं मेरे मेहमानों से। वक्त हो गया है VIP शेयर का। आशीष, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, अगर कल किसी को कोई पोजीशन लेनी हो कौन सा सेक्टर कौन सा स्टॉक आपके फोकस में होगा कल? जी, मेरा स्टॉक रहेगा सदन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, जिसको हम स्पिक के नाम से जानते हैं। इस स्टॉक को बाय करने की सलाह रहेगी और 75 रुपए का इसका प्राइस है। मेरा मानना है कि 6 महीने में स्टॉक 125 रुपए तक जा सकता है। अब उसके पीछे रैशनल मैं बताना चाहूंगा। सदन इंडिया की एक लीडिंग फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो ऑलमोस्ट सारे टाइप के जो फर्टिलाइजर है वो कंपनी बनाती है। यदि कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नजर डालें तो पिछले साल कंपनी का मुनाफा 74 करोड़ था, जो 9 महीने में ही कंपनी ने 158 करोड़ का मुनाफा किया। और मेरा मानना है इस साल जो उनका मुनाफा करीब 225 करोड़ रुपए का रहेगा। तो 300% की ग्रोथ देखने को मिलेगी 2021 से 2022 में आपको इनके प्रॉफिटेबिलिटी में। और ये 10 रुपए पेड अप स्टॉक है जिसकी 200 करोड़ की शेयर कैपिटल है, तो 11 रुपए के आसपास का उनका EPS रहेगा। तो अभी भी सिर्फ 7 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पर ये स्टॉक मिल रहा है। तो मेरा मानना है जिस टाइप से रैली हमने GNFC में देखा है, तो बिल्कुल इस पिक में काफी मेरिट है। सिर्फ 1500-1600 करोड़ मार्केट कैप में आपको 225 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनी का शेयर काफी अंडर वैल्यूड मुझे नजर आता है। तो इसलिए 125 रुपए का इसका प्राइस टारगेट मुझे लगता है अगले 6 महीनों में जा सकता है। ओके, 120 तक का टारगेट दिखाई दे रहा है। 74 रुपए पे ये स्टॉक आज बंद हुआ है। शानदार रिटर्न के लिए आप सदन पेट्रो पर फोकस कर सकते हैं। भाविन, आपके कौन से शेयर्स होंगे कल के लिए? दो बाय आइडिया है।
फर्स्ट वन है पीवीआर। अगर ये स्टॉक देखेंगे तो एक बड़ा मूव दे चुका है, बट यहाँ से भी 1840 तक के लिए लेवल ओपन है। स्टॉप लॉस करीबन 720, करीबन अभी 1749-1750 पे कोट कर रहा है। मुझे लग रहा है ये आप शॉर्ट टर्म के लिए प्ले आउट कर सकते हैं। एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस है अराउंड 1720। मुझे लग रहा है ये स्टॉक 1840 के टारगेट के हिसाब से डेफिनेटली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्ले आउट होना चाहिए। सेकेंड वन है TCS। यहाँ पे कल बायबैक का विंडो टेंडरिंग पीरियड खत्म हो रहा है। स्टॉक ने एक आज बड़ा मूव दिया है। ओवरऑल आईटी पैक में भी काफी अच्छा स्ट्रेंथ था, तो मुझे लग रहा है ये वापस से एक बार 3900 के लिए ओपन अप हो रहा है। 3600 का काफी एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। सो यहाँ से 3900 के लिए प्ले आउट कर सकते हैं। ओके, तो दो स्टॉक्स दोनों ही अपने स्पेस की लीडर यहाँ पर, आईटी स्पेस में फोकस। टीसीएस पर आप कर सकते हैं बेट, और इसके अलावा अगर आप सिनेमा देखने के शौकीन हैं तो पीवीआर को शामिल कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। ये दो स्टॉक्स आइडिया यहाँ पर भाविन की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष और भाविन आज शो में शामिल होने के लिए। कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आ रहा है कंज्यूमर स्किंग।